ऑफ कंटेंट राइटिंग। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट होता है जो भी हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं या गूगल पे जो भी आपको डाटा मिलता है किसी भी क्वेरी से रिलेटेड, वो कंटेंट होता है। उसी की एक टाइप है प्रोडक्ट आर्टिकल राइटिंग। प्रोडक्ट आर्टिकल राइटिंग क्या होती है, जिसमें इसके नेम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें प्रोडक्ट के फीचर्स को, उसके एडवांटेजेस को राइट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं एक प्रोडक्ट को। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा बिजनेस मॉड्यूल के लिए किया जाता है। कुछ लोग होते हैं वो ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं, मतलब वो प्रोडक्ट्स अपने लॉन्च करते हैं, फिर उन्हें सेल आउट करते हैं और वो अपनी वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस जिसे हम कहते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं वो, और अपनी वेबसाइट पे वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कंटेंट राइट करते हैं उस प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए। ये होते हैं ई कॉमर्स साइड। कुछ होता है एफिलिएट मार्केटिंग, कि प्रोडक्ट हमारा नहीं है लेकिन हम उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, उसको एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट उसको डिफाइन कर रहे हैं अपनी साइट पे और जो है उससे हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। वो ये भी प्रोडक्ट आर्टिकल राइटिंग में ही इंक्लूड होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट आर्टिकल राइटिंग में हम प्रोडक्ट के वाले फीचर्स को हाईलाइट करते हैं, उसके एडवांटेजेस बताते हैं और हम प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि इसका यूज़ क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब ये राइट क्यों किए जाते हैं, प्रोडक्ट आर्टिकल क्यों राइट किए जाते हैं? प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए और ऑब्वियसली सेल्स जनरेट करने के लिए, क्योंकि कोई भी अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस करता है वो ई कॉमर्स है या एफिलिएट मार्केटिंग है, तो उसका जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि वो उस प्रोडक्ट को सेल करे और उससे अर्निंग करे। उसके बाद जो सेकंड पर्पस है कि प्रोडक्ट आर्टिकल राइटिंग क्यों की जाती है, उसमें कस्टमर्स फाइंड करने के लिए और उन्हें सेल आउट करने के लिए वो प्रोडक्ट, और उसके बाद है इंक्रीज नंबर ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर्स को इंक्रीज करने के लिए भी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है अच्छे तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है क्लीनिंग कारपेट, प्रोडक्ट फॉर क्लीनिंग कारपेट, और ये लोगों को इन्फॉर्मेशन बताते हो आप अपने आर्टिकल में कि ये क्यों ज़रूरी है, किस तरह ये काम करता है और आप इसको किस तरह इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उस प्रोडक्ट को डिफाइन करते हो उस आर्टिकल में, जिसे प्रोडक्ट आर्टिकल राइटिंग कहते हैं। उसके बाद जी इंट्रोडक्शन टू कीवर्ड्स। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड ऐसे वर्ड और फ्रेजेस होते हैं जो लोग सर्च इंजन में टाइप करते हैं कुछ सर्च करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप गूगल पे गए हो, आपने कुछ वहां से कोई क्वेरी टाइप की है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, लेदर जैकेट ले लेती हूँ। ठीक है, अब ये लेदर जैकेट ये आपने यहाँ पे टाइप किया और आपको यहाँ पे रिजल्ट शो हो गए इससे रिलेटेड। तो ये जो लेदर जैकेट आपने टाइप किया ये एक कीवर्ड है। ठीक है, जैसे मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे और भी सजेशंस आ रही हैं, लेदर जैकेट पाकिस्तान, लेदर जैकेट प्राइस इन पाकिस्तान, ये सारे जो हैं ये डिफरेंट कीवर्ड्स हैं और ये सजेस्ट कर रहा है गूगल, क्यों इसलिए सजेस्ट कर रहा है कि ये कीवर्ड्स जो है वो मोस्टली सर्च हो रहे हैं गूगल पे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई और क्वेरी कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू कुक बिरयानी, ठीक है, तो ये भी आपका एक कीवर्ड है। अब इन कीवर्ड्स के पीछे जो इंटेंट है वो डिफरेंट है। पहले मैंने लेदर जैकेट टाइप किया, अब हो सकता है कि मैंने लेदर जैकेट बाय करनी हो, या फिर हो सकता है कि मैंने वैसे ही देखना हो, और ये जो है हाउ टू कुक बिरयानी, ये मैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए, नॉलेज के लिए, जानने के लिए ये कीवर्ड टाइप कर रही हूँ। तो ये होते हैं हमारे कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक स्पेसिफिक कीवर्ड हम सेलेक्ट करते हैं जिसपे हम कंटेंट राइट करते हैं। कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? कीवर्ड्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये सर्च इंजन्स को बताते हैं कि आपकी वेबसाइट किससे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये कीवर्ड टाइप किया हाउ टू कुक बिरयानी, इसके रिजल्ट में मेरे सामने जितनी भी वेबसाइट्स आई हैं उनमें बिरयानी की रेसिपी मौजूद है। इट मीन्स के इन्होंने ऐसा कंटेंट राइट किया है जो गूगल को बता रहा है कि अगर कोई ये क्वेरी सर्च करता है बिरयानी से रिलेटेड तो उस पे हमारी वेबसाइट शो होनी चाहिए, ये टॉप फर्स्ट पे ये वाली वेबसाइट शो हो रही है। ठीक है, टोटल इसके जो रिजल्ट्स हैं वो इस पेज पे इतने और टॉप पे मुझे ये वेबसाइट शो हो रही है, तो इट मीन्स के इन्होंने बिरयानी की रेसिपी अपनी वेबसाइट पे शेयर की हुई है, इसने भी शेयर की हुई है इस वेबसाइट ने भी। ठीक है, तो जो कीवर्ड होता है वो ये बताता है कि आपकी वेबसाइट किससे रिलेटेड है। अगर आप कोई ब्लॉग राइट कर रहे हो डॉग ब्रीड से रिलेटेड और उसमें आप कीवर्ड यूज कर रहे हो डॉग रिपीटेडली अपनी साइट में,
तो ऑब्वियसली ये जो है गूगल को बताएगा कि ये जो साइट है ये डॉग से रिलेटेड है, लेकिन जो कीवर्ड की स्ट्रेटजी है वो राइट होनी चाहिए। आपने जो कीवर्ड यूज किया है वो राइट वर्ड होना चाहिए इन द राइट प्लेस। अब यहाँ पे तो मैंने ये लिखा है कि आप डॉग का वर्ड रिपीटेडली अपनी साइट पे यूज कर रहे हो, तो ये गूगल को बता देगा कि आपकी जो साइट है वो डॉग से रिलेटेड है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप हर लाइन में ही डॉग का वर्ड यूज कर रहे हो। आपने कीवर्ड को एक स्ट्रेटेजिक वे में यूज करना है और राइट प्लेस पे यूज करना है। इसको हम कहते हैं कि हम SEO ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिख रहे हैं, कि हमने अपने जो कीवर्ड यूज किया है वो एक प्रॉपर सेंटेंस में जहां पे उस कीवर्ड की जरूरत है वहां पे यूज किया। ऐसा नहीं किया कि हमने हर लाइन में ही कीवर्ड यूज कर दिया सिर्फ गूगल को ये बताने के लिए कि हमारी जो साइट है वो इस टॉपिक से रिलेटेड है या फिर इस कीवर्ड पे हम राइटअप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ जनरल ओवरव्यू था प्रोडक्ट आर्टिकल राइटिंग से और कीवर्ड से रिलेटेड, कि कीवर्ड क्या होता है और ये कीवर्ड क्यों जरूरी होते हैं, इसका यूज किस तरह किया जाता है। फर्दर जो है वो हम नेक्स्ट देखेंगे इस ट्रेनिंग सेशन में इंशाल्लाह। अच्छा, अब हर जो भी प्रोडक्ट आर्टिकल राइटिंग करते हैं डिफरेंट साइट्स के डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं और वो अपने अकॉर्डिंगली राइट करवाते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको साइट दिखाऊं तो गुड हाउस कीपिंग एक साइट है जो कि एफिलिएट मार्केटिंग करती है। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे हाउस कीपिंग से रिलेटेड। कुछ जो है हम यहाँ से देख लेते हैं प्रोडक्ट रिव्यू से। अब इस साइट का जो राइटअप का क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। इसके अलावा अगर आप और कोई साइट विजिट करोगे तो उसका जो राइटअप का स्टाइल होगा, फॉर्मेट होगा, वो डिफरेंट होगा। लेकिन कर क्या रहे हैं, कर यही रहे हैं कि प्रोडक्ट आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसको उस प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके फीचर्स को। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ये ओवन से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा ओवन का ओवरव्यू दिया है, उसके बाद ये उनका प्रोडक्ट है, बाद में उसके उन्होंने फंक्शंस बताए हैं, कैपेसिटीज बताई हैं, एक्सेसरीज और डायमेंशंस वगैरह बता दिए। ठीक है, इस तरह उन्होंने इसको डिफाइन कर दिया है और ये इसके बारे में लिख दिया है, इस ओवन के बारे में। लेकिन हमने जो आपसे प्रोडक्ट राइटिंग करवानी है, हमारा क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इस तरह डिफरेंट है कि आपको राइटअप के लिए एक टेम्पलेट प्रोवाइड किया जाएगा। टेम्पलेट होगा वेरी इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे। टेम्पलेट कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, ये आप लोगों को टेम्पलेट दिया जाएगा, इसमें एक मेन कीवर्ड होगा और कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे। यहाँ पे दो हैं, दो से ज्यादा भी रिलेटेड कीवर्ड्स हो सकते हैं। अब रिलेटेड कीवर्ड्स और मेन कीवर्ड में क्या डिफरेंस है? मेन कीवर्ड तो मेन टॉपिक है या मेन प्रोडक्ट है जिस पे आपने राइटअप करना है। रिलेटेड कीवर्ड्स हैं जो इस टॉपिक से, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। अब ऐसा है कि आपको कीवर्ड यूज करना है लेकिन आप हर जगह पे मेन कीवर्ड यूज नहीं करोगे। ऐसा क्यों नहीं करोगे? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप मेन कीवर्ड इसलिए यूज नहीं करोगे क्योंकि वो कीवर्ड स्टफिंग में आ जाता है। गूगल इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, उन्हें लगता है कि जबरदस्ती आप उसको बता रहे हो कि जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा आर्टिकल है वो इस कीवर्ड पे है। हालांकि यहाँ पे कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, आपने फिर भी यूज किया। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको कीवर्ड यूज करना भी है लेकिन आप वहां पे मेन कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, तो वहां पे आप रिलेटेड कीवर्ड यूज कर सकते हो। इस तरह आपको हर टेम्पलेट में रिलेटेड कीवर्ड्स प्रोवाइड होंगे। ठीक है, उसके बाद ये ओवरव्यू है, प्रोडक्ट्स आपको डिफरेंट दिए हुए हैं। ये प्रोडक्ट वन है, प्रोडक्ट टू है, प्रोडक्ट थ्री, और इस टेम्पलेट में फोर प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, कुछ टेम्पलेट्स आपको ऐसे भी रिसीव होंगे जिसमें 5 to 6 प्रोडक्ट्स भी होंगे, तो जो टेम्पलेट है वो वेरी इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट होगा। पहला स्टेप जो आपने क्या करना है, वो आपने करना है फर्स्ट वेरीफाई करना है टेम्पलेट को। अब टेम्पलेट को वेरीफाई करने का तरीका क्या है कि जितने भी इसमें प्रोडक्ट्स आपको गिवन है आपने वन बाय वन उसको न्यू टैब में ओपन कर लेना है और उस सारे प्रोडक्ट्स को आपने मैच करना है कीवर्ड्स के साथ। आपको जो गिवन कीवर्ड है, जो मेन कीवर्ड है, ये जितने प्रोडक्ट्स आपको गिवन है इस टेम्पलेट में, क्या वो इस कीवर्ड से मैच भी कर रहे हैं या नहीं? ऐसा तो नहीं है कीवर्ड जो है वो चेयर से रिलेटेड है लेकिन जो प्रोडक्ट आपको गिवन है वो रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, तो ये इस तरह आपने जो है वन बाय वन हर एक प्रोडक्ट को ओपन करना है न्यू टैब में और उसको मेन कीवर्ड से वेरीफाई कर लेना है।
ठीक है, पहली चीज आपने ये देखनी है कि जो आपका प्रोडक्ट है गिवन है आपको टेम्पलेट में, वो कीवर्ड के साथ मैच भी हो रहा है या नहीं। मेन कीवर्ड क्या था जी? हमारा विंग बैक लेदर चेयर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट वन देखूं तो मुझे यहाँ पे विंग बैक का वर्ड नजर आ रहा है, ठीक है, लेदर का वर्ड नजर आ रहा है, तो इट मीन्स के ये विंग बैक लेदर चेयर है, तो ये कीवर्ड के साथ हमारा प्रोडक्ट मैच है। ठीक है, सेकंड प्रोडक्ट अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी मुझे विंग बैक का वर्ड नजर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे लेदर का वर्ड नजर आ गया। ठीक है, अगर आपको टाइटल में लेदर का वर्ड नजर नहीं आया, विंग बैक का वर्ड नजर नहीं आ रहा, तो आपने थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करके देख लेना है, इसके डिस्क्रिप्शन में भी कहीं पे अगर लेदर या ये वर्ड यूज हुआ तो इट मीन्स कि आपके कीवर्ड से रिलेटेड ये प्रोडक्ट है। इसी तरह आपने ये थर्ड भी चेक कर लेना है, यहाँ पे लिखा हुआ लेदर विंग बैक एसन चेयर। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे कीवर्ड से मैच हैं। पहला आपने ये मैच करना है, ऑल प्रोडक्ट शुड बी मैच विद कीवर्ड। सेकंड चीज जो आपने वेरीफाई करनी है, ऑल प्रोडक्ट शुड बी डिफरेंट, तमाम प्रोडक्ट्स डिफरेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट वन जो है वो प्रोडक्ट टू या प्रोडक्ट थ्री के साथ मैच हो रहा है, या फिर प्रोडक्ट वन का जो कंटेंट है, कंटेंट क्या है यहाँ पे, अबाउट दिस आइटम गिवन है ये उसका कंटेंट है, और यहाँ पे ये उसके कुछ फीचर्स हैं यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये आप लोगों ने देख लेना है कि ये हर प्रोडक्ट के डिफरेंट होने चाहिए, मैच नहीं होना चाहिए, एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के साथ मैच नहीं होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, अच्छा ये चीज़ आप लोगों ने वेरीफाई कर लेनी है। ठीक है, सेकंड स्टेप है आपने उस टेम्पलेट को अरेंज कर लेना है राइटिंग के लिए। अब राइटिंग के लिए आप लोगों ने अरेंज उसको कैसे करना है, टेम्पलेट जब आपको गिवन होगा तो आपको स्टार्ट में यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी गई होंगी, यूज 2% ऑफ मेन कीवर्ड डेंसिटी, यूज ओनली वन टाइम H1 टैग, तो ये जो है गाइडलाइन आपने जस्ट रीड आउट कर लेनी है, बाकी फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी इस सेशन में। आपने इसको जो है रिमूव कर देना है इस गाइडलाइन को। ठीक है, यहाँ से आपने टॉपिक, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन ये भी रिमूव कर देना है। ऑथर नेम पे आप अपना नेम राइट कर देंगे, ठीक है, जो भी आप राइटअप करेंगे वो आप यहाँ पे आपका जो भी नेम है आप ऑथर नेम पे राइट कर देंगे। उसके बाद है ओवरव्यू है, क्या होता है हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, अभी के लिए जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि आपने टेम्पलेट किस तरह अरेंज करना है। यहाँ से आप 180 to 250 वर्ड ये रिमूव कर देंगे। ठीक है, कीवर्ड जो है, कीवर्ड्स आपका ये पता होना चाहिए, मेन कीवर्ड। ठीक है, यहाँ पे आप मेन कीवर्ड कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आप ओवरव्यू राइटअप कर देंगे, किस तरह राइटअप करना है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद है अमेजोन प्रोडक्ट्स, ये आप रिमूव कर देंगे यहाँ पे। प्रोडक्ट नंबरिंग दी हुई है तो ठीक है, अदरवाइज आप प्रोडक्ट नंबरिंग खुद देंगे, प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट थ्री। ठीक है, ये आपका कीवर्ड भी यहाँ पे गिवन है, रिलेटेड कीवर्ड जो है वो आप यहाँ से ही देखोगे, लेकिन अगर आप अपनी आसानी के लिए यहाँ से कॉपी करके फर्दर यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहे हो ताकि आप जब डिस्क्रिप्शन राइट करो तो आपको पता हो ये रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, बार बार आपको अप स्क्रॉल नहीं करना पड़े, तो आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है आप यहाँ पे ये जो लिंक प्रोवाइडेड है प्रोडक्ट वन का, यहाँ पे टाइटल आपने टाइटल हेडिंग देनी है। टाइटल क्या होता है ये भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट टाइटल आपने किस तरह राइटअप करना है, यहाँ पे आपने टाइटल की हेडिंग दे लेनी है। ठीक है, इसी तरह आपने तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अरेंज कर लेना है राइटअप के लिए, और लास्ट पे कुछ आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी, आपने इसको भी रिमूव कर देना है। इस तरह आपने अपना जो टेम्पलेट है वो राइटअप के लिए रेडी कर लेना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप आपका ये होना चाहिए। अब राइट आर्टिकल में हम राइट क्या करते हैं,
जो मेन चीजें हैं हमें क्या रिक्वायर होती हैं एक आर्टिकल में राइटअप करने के लिए, सबसे पहले होता है हमें टाइटल रिक्वायर होता है। अब टाइटल क्या होता है, प्रोडक्ट टाइटल वो होता है जो हमें इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। अगर मैं आपको अमेजोन पे भी दिखाऊं ये प्रोडक्ट्स मैंने ओपन किया, तो यहाँ पे ये इस प्रोडक्ट का टाइटल लिखा हुआ है और इसमें मेन मेन जो फीचर्स हैं उन्होंने इस टाइटल में डिस्क्राइब किए हुए। ठीक है, ब्रीथेबल लेदर पुशबैक रिक्लाइनर चेयर फॉर लिविंग रूम एंड स्मॉल स्पेसेस और मैनुअल रिक्वायरमेंट, ये एक टाइटल गिवन है इस प्रोडक्ट का। इसी तरह अगर मैं इस प्रोडक्ट को देखूं तो यहाँ पे भी ये इसका टाइटल गिवन है। ठीक है, अब हम इसी टाइटल को देखते हुए एक खुद प्रोडक्ट टाइटल राइटअप करेंगे जो हम अपने आर्टिकल में यूज करेंगे एज इट इज। इसको हम कॉपी करके यहाँ से नहीं लिख सकते। ठीक है, अब टाइटल करता क्या है कि टाइटल ये करता है कि जो भी यूजर अगर हमारी साइट पे आता है तो उस टाइटल से उस जो यूजर होता है उसको आइडिया हो जाता है कि ये प्रोडक्ट के मेन फीचर्स क्या हैं। और अगर वो डिस्क्रिप्शन रीड आउट नहीं भी करना चाह रहा तो आपका टाइटल ही इतना अच्छा लिखा होना चाहिए कि वो टाइटल को देख के ही प्रोडक्ट को जो बाय करने का इरादा बना ले। ठीक है, उसके बाद टाइटल के बाद हमने राइट करनी होती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का जो मकसद होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अपनी ऑडियंस को ये बताना कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या करता है, उसके क्या फीचर्स हैं और आपको ये क्यों बाय करना चाहिए। ठीक है, आपकी डिस्क्रिप्शन इतनी अच्छी लिखी होनी चाहिए वो रीड आउट करे और वो कन्विंस हो जाए कि मुझे ये प्रोडक्ट बाय करना ही है। उसके बाद हम राइट करते हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस में हम ऐसे फीचर्स लिखते हैं जो हम डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब नहीं कर पाते, और उसका थोड़ा सा फॉर्मेट क्या होता है कि मैं आपको बता देती हूँ, दिखा देती हूँ। हमारा एक दूसरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है बिग इलेक्ट्रॉनिक्स, कल भी सर ने थोड़ा सा डिस्कस किया था। यहाँ पे मैं आपको एक आर्टिकल दिखा देती हूँ। कि प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस को हम किस तरह राइटअप करते हैं या जो आप टेम्पलेट में राइट करके भेजेंगे हम उसको किस तरह पब्लिश करते हैं। ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट है हमारे कंटेंट राइटिंग का। जैसे मैंने आपको गुड हाउस कीपिंग दिखाया है उसका थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट है, हमारा थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट है। यहाँ पे इस तरह जो है आपको इस टेम्पलेट में आई थिंक 5 प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे स्टार्ट में ये वाला ओवरव्यू आता है तमाम प्रोडक्ट्स का। ठीक है, उसके बाद आपका जी प्रोडक्ट 1 आ जाता है, ये उसका टाइटल है प्रोडक्ट का। ठीक है, ये प्रोडक्ट है और यहाँ पे ये उसकी डिस्क्रिप्शन है और ये आ गई प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस। कुछ ऐसे फीचर्स जो हमने डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब नहीं किए हम उसको प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस में राइटअप कर देते हैं इस तरह। और मोस्टली जो कौन से फीचर्स हैं जिनको हम प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में राइट कर सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे रिव्यू। रिव्यू हम क्यों ऐड करते हैं कि उससे यूजर का जो है वो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कि अच्छा इस प्रोडक्ट पे पॉजिटिव रिव्यूज हैं तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट अच्छा ही होगा तो मुझे ये बाय करना चाहिए। रिव्यू ऐड करने का तरीका भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है एफएक्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। मोस्टली जो गूगल पे इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो क्वेरीज हो रही होती हैं वो हमने ऐड करनी होती हैं। उसके बाद है ओवरव्यू। ओवरव्यू होता है जनरल इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ रिलेटेड टू प्रोडक्ट। अब ओवरव्यू यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि सबसे टॉप पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ सबसे लास्ट पे। ऐसा इसलिए है कि ओवरव्यू पब्लिश तो होता है सबसे फर्स्ट पे, लेकिन राइट करने का जो तरीका है वो ये है कि आप पहले सारे प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन टाइटल राइट करो और लास्ट पे ओवरव्यू राइट करो। इससे ये होता है जब आप एक प्रोडक्ट को एक टेम्पलेट में सारे प्रोडक्ट्स को डिस्क्राइब कर लेते हो उसके बाद आपको आइडिया हो जाता है कि इन प्रोडक्ट्स में ये वाले फीचर्स हैं और ये इसके एडवांटेजेस हैं, ये इसके ड्रॉबैक्स हैं, और आप उनको एक जनरल वे में, एक इंट्रोडक्टरी वे में, ओवरव्यू में डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने लास्ट पे लिखा है कि आप ओवरव्यू जो है वो सबसे लास्ट पे राइटअप करें। पहले जो है वो आप टेम्पलेट को अरेंज करें, उसके बाद आप प्रोडक्ट टाइटल्स बनाएं, फिर डिस्क्रिप्शंस राइट करें और जो भी उसमें प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस हैं, रिव्यू हैं, एफएक्यूज हैं, और लास्ट पे आप ओवरव्यू राइट करें। अब लास्ट पे ओवरव्यू राइटअप करने का फायदा ये होगा कि आप जो है आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि इन प्रोडक्ट्स में ये वाले फीचर्स हैं और आप उसको इजिली ओवरव्यू को राइटअप कर सकते हो।
ठीक है, आज के सेशन में जस्ट यही था कि आपको थोड़ा सा कीवर्ड और प्रोडक्ट आर्टिकल राइटिंग के बारे में बताना था और टेम्पलेट डिजाइन दिखाना था जिसपे आप लोगों ने राइटअप करना है, किस तरह का टेम्पलेट आपको रिसीव होगा और आपने उसको अरेंज किस तरह करना है और उसको वेरीफाई किस तरह करना है। फर्दर जो राइटअप किस तरह करना है वो हम next 3 days में देखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।